क्या आपको पता है ये एक्ट्रेस कौन है? और आपको पता है ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि इन्होंने रश्मिका मंदाना तक को पीछे कर दिया है। ये नेशनल क्रश बन चुकी है रश्मिका मंदाना के बाद इंडिया की। और अभी हाल ही में आपने इन्हें एनिमल मूवी में देखा होगा, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, आखिर ये है कौन और ये इतनी ज्यादा जल्दी फेमस कैसे हो गई। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने से, जैसे कि इनका नाम तृप्ति दिमरी है। तृप्ति दिमरी का जन्म हुआ था दिल्ली में और इन्होंने अपना करियर फैशन और मॉडलिंग के साथ स्टार्ट किया। इन्हें पहली बार मूवी में चांस 2017 में मिला था, वो भी साजिद अली की डायरेक्टेड मूवी पोस्टर बॉयज के साथ। उस मूवी से इन्हें कुछ लोग जानने लग गए थे और इन्हें बॉलीवुड से ऑफर भी आने लगे थे, लेकिन स्पेशल अटेंशन इन्हें अपनी लैला मजनू मूवी से मिला जो कि 2018 में आई थी। इनकी परफॉर्मेंस को पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया और उन्हें आगे मूवीज भी मिली, जैसे कि 2020 में आई बुलबुल। बुलबुल मूवी भी अपनी अच्छी स्टोरी और तृप्ति दिमरी की अच्छी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा चर्चा में रही। इसके बाद 2022 में तृप्ति दिमरी नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज कला के अंदर दिखाई दी, क्योंकि इस वेब सीरीज की स्टोरी और डायरेक्शन काफी अच्छा था तो ये वेब सीरीज भी काफी ज्यादा चर्चा में आई। स्पेशली इस मूवी के गाने भी काफी ज्यादा फेमस रहे, जैसे कि घोड़े पर सवार और शक, ये दोनों ही गाने काफी ज्यादा फेमस रहे। और इसके बाद 2023 में इन्हें मिली अपने करियर की सबसे बड़ी मूवी और वो भी अपने ड्रीम सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका। तृप्ति अपने इंटरव्यूज में बता चुकी है कि उनके फेवरेट एक्टर रणवीर कपूर है और उन्हें अपने फेवरेट एक्टर के साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लगा एनिमल मूवी के। तृप्ति दिमरी का रोल एनिमल में काफ़ी नोटिसेबल है, उनके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने एनिमल मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है पूरी मूवी की स्टोरी के ऊपर। और अब तो एनिमल मूवी का पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर हमें तृप्ति जरूर दिखाई देगी। एनिमल मूवी से पहले जहां तृप्ति के फॉलोअर 5 से 6 लाख थे, अब वो बढ़ के मिलियंस में चले गए हैं। एनिमल मूवी के बाद तृप्ति इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि कुछ लोगों ने तो उन्हें रश्मिका मंदाना के बाद दूसरी नेशनल क्रश बोलना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, सभी जगह यही छाई हुई है। अब आप बताइए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।